जिनकी फोटो के ऊपर माला टंगी है वो यहाँ पर हैं। आज हम उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर आए हैं और उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं, सत सत नमन करते हैं। वो भारत माता के सपूत जिन्होंने अपनी जान दी है और उनकी जान को देने के बाद जो भाई आज यूनिफॉर्म पहन के बैठे हैं और जगह जगह ड्यूटी कर रहे हैं, और कल से जो जम्मू से श्रीनगर जाएंगे और वो बाई ईयर जाएंगे, इन भाइयों की बदौलत, इन भाइयों के लिए सत सत नमन है। इनकी शहादत के बाद ही हमारी सरकार की आंख खुली है, कान खुले हैं और दिमाग खुला है कि नहीं, जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए हमारे जो पैरा मिलिट्री फोर्स के भाई हैं उनको भी बाई ईयर जाने की जरूरत है। हमें क्यों पाल रहे हैं आप? हमें इसलिए पाल रहे हैं कि हमने आपको कल गद्दी पर बिठाना है। कैसे बिठाना है? जगह जगह हमने ही जाना है, आपके लिए इंसिडेंट फ्री इलेक्शन कराना है और इलेक्शन करा के आपको सीट पर बिठाना है। आज हमारे आप हाथ जोड़ रहे हैं, कल हम आपको सलूट मारते हैं, लेकिन जब हम सलूट मारने पहुंचते हैं आप हमें नहीं पहचानते हैं। हमें बाई ईयर जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए शहादत देनी पड़ती है, तिरंगा अपने ऊपर लेना पड़ता है। जिस दिन ताबूत के ऊपर तिरंगा चढ़ जाता है हमारी वोटों पे माला चढ़ जाती है, लेकिन पहले आप हमारा मान मत करें, कुछ नहीं, हमें अपनी ठोकर पे रखते हैं। क्यों रखते हो? इसलिए क्योंकि हम मातहत हैं, हम नौकरी कर रहे हैं, देश की बदौलत हम आपके देश में अपने देश की रक्षा के लिए सीमा पर हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन संभाल रहे हैं। क्यों? मेरी जरूरत है, मैं नौकरी करने गया हूँ, लेकिन जब मैं वापस आता हूँ, क्या कोई भी किसी भी रैंक का आदमी है, हम घर आकर के पेंशन से अपना गुजारा नहीं कर सकते हैं, रिहैबिलिटेशन की जरूरत पड़ती है। गवर्नमेंट कहती है हमने वार्ड बनाया है, लेकिन नहीं, मुझे मेरी डिस्ट्रिक्ट, मैं गाजियाबाद का रहने वाला हूँ, गाजियाबाद में क्या वार्ड का कोई सेल है जिसके पास मैं मेरी अपनी समस्याएं लेके जाऊं, अपने साथियों को लेके जाऊं, इनको नौकरी नहीं मिलती है, घर आके वही है जैसे धोबी का कुत्ता है, ना घर का ना घाट का, वो हालत हो जाती है। जब मैं पेंशन आता हूँ मैं अपना घर नहीं चला पाता हूँ, जगह जगह मुझे थैला लेके सामान बेचना पड़ता है। कल मेरे सर पर एम्बलम था, अशोक का स्तंभ था, लेकिन आज मैं झोला लेके अपनी जीविका चलाने के लिए पेंशन से घर नहीं चलता, इसलिए मैं लोगों के घर पे जाता हूँ, सामान बेचता हूँ, इस तरह के मुझे काम करने पड़ते हैं।